जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं पुनः आप सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी के मासिक राशिफल के प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम चर्चा करने जा रहे हैं मई 2021 के राशिफल की। मई 2021 में एक दो नहीं कई सारे मुख्य ग्रह जो हैं वो अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसमें शनि, सूर्य, बुध, शुक्र ये सभी ग्रह शामिल हैं और इनके राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है वो आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। फिर चाहे आप नौकरी पेशा व्यक्ति हों या अपना व्यापार करते हों, आपकी इनकम पर इसका प्रभाव होगा, आपके भाग्य पर इसका प्रभाव होगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके शादीशुदा जीवन पर, अगर अभी शादी नहीं भी हुई है और आप इस समय पर रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हैं तो आपके रिलेशनशिप पर, अगर अभी आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई पर भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपके स्वास्थ्य को भी ये ग्रह गोचर कहीं ना कहीं नियमित करता है, उसको प्रभावित करता है। आपके हर इम्पॉर्टेंट डिसीजन, चाहे फिर वो नया वाहन लेना हो, नई गाड़ी लेनी हो, नया घर लेना हो, नई ऑफिस स्पेस लेनी हो, हर क्षेत्र पर आपके जीवन के इस ग्रह गोचर का प्रभाव पड़ने वाला है, जिसकी हम लोग विस्तार से चर्चा आज के इस राशिफल के प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप अंत तक हमारे इस प्रोग्राम में बने रहेंगे, जहाँ पर हम इस ग्रह गोचर को समझकर आपके जीवन में हो रहे बदलावों का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ आपको ऐसा उपाय भी बताएंगे जिससे आप मई 2021 को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर बना सकेंगे। तो आइए अब बिना विलंब किए हम लोग आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। चलिए भक्तगणों, अब हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं मई 2021 के ग्रह गोचर की। इसके लिए हम लोग काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में जो पहला भाव होता है वो मेष राशि का भाव होता है। अगर हम लोग मई 2021 की शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर तीन ग्रह एक साथ विराजमान हैं, एक तो सूर्य देवता, साथ ही साथ बुध देवता और तीसरे ग्रह हैं शुक्र देवता। अब सूर्य देवता के लिए तो ये अपनी उच्च की राशि है, मेष राशि जो होती है वो उनकी उच्च राशि कहलाती है और इंग्लिश में हम इसे एग्जॉल्टेड स्टेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर बैठकर तो सूर्य देवता आपको भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। अब जो बुध देवता है वो अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 1 मई को ही वो आकर वृषभ राशि में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पर उनके मित्र यानी कि राहु देवता भी पहले से विराजमान हैं। उनके पीछे पीछे शुक्र देवता, वो भी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और वो अपने घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, जो कि वृषभ राशि अपना घर है, अपनी राशि है शुक्र देवता के लिए। वो 4 मई को इस राशि परिवर्तन को संपूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो तृतीय ग्रह यानी कि जो तीसरा ग्रह हमारा रह जाता है सूर्य देवता, वो भी अपनी राशि का परिवर्तन इस महीने करने जा रहे हैं और वो आकर वृषभ राशि में राहु देवता के साथ विराजमान हो जाएंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर 4 ग्रह एक साथ आकर विराजमान होने वाले हैं। अब यहाँ पर विशेष बात यह है कि शुक्र देवता के लिए तो ये अपना घर है, परंतु सूर्य देवता राहु देवता के साथ बैठे हुए हैं, इसकी वजह से सूर्य देवता को ग्रहण लगता है। अब सूर्य देवता पहले तो बहुत अच्छी स्थिति में विराजमान थे, परंतु अब इस स्थिति में आकर वो पहले से एक बहुत ही खराब स्थिति में आ गए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है और हर राशि के जातक पर इसका परिणाम अलग अलग तरीके से दिखाई देगा, जिसकी हम लोग विस्तार से आगे भी चर्चा करेंगे। चलिए भक्तगणों, हमने द्वितीय भाव को तो देख लिया, यहां पर राहु देवता विराजमान है और बाकी 3 ग्रह भी विराजमान हैं। अब तृतीय भाव को अगर हम लोग देखें तो वहां पर मंगल देवता विराजमान है और इस पूरे महीने वो ऐसे ही इसी भाव में विराजमान रहने वाले हैं। अब चौथे अगर हम भाव की बात करें तो जो चौथा भाव होता है वो कर्क राशि का भाव होता है, इसके मालिक चंद्रमा देवता होते हैं। साथ ही साथ
जो पांचवा भाव होता है वो सिंह राशि का भाव होता है, इसके मालिक सूर्य देवता हैं। ये दोनों भाव जो हैं ये मुख्य ग्रहों से वंचित हैं। इसी प्रकार जो छठा और सातवां भाव होता है जो कि कन्या राशि और तुला राशि के लिए है, वो भी मुख्य ग्रहों से इस महीने विराजमान रहने वाले हैं। अब हम लोग अगर आठवें भाव को देखें तो वहाँ पर केतु देवता विराजमान है और इस पूरे महीने वो यहाँ पर वृश्चिक राशि में ही गोचर करने वाले हैं। आगे अगर हम लोग नवम भाव को देखें जो कि नाइन्थ हाउस है, जिसके मालिक बृहस्पति देवता हैं, ये धनु राशि का भाव है, ये भी मुख्य ग्रहों से इस महीने वंचित रहने वाला है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दसवें भाव की। यहाँ पर दसवें भाव में शनिदेव विराजमान है और ये शनिदेव के लिए अपनी राशि है, स्वराशि है, अपना घर है, तो ये शनिदेव के लिए एक अच्छी स्थिति है। परंतु यहाँ पर 23 मई के बाद से शनिदेव जो हैं वो वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि अब जो उनकी एक बहुत ही अच्छी स्थिति थी अपने घर में बड़ी मजबूती से जहाँ पर शनिदेव विराजमान थे, अब वो काफ़ी समय के लिए अपनी ही राशि में वक्री हो जाने वाले हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर निश्चित तौर पर दिखाई देगा, जिसकी हम लोग आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो जो ग्यारहवां भाव है कुंडली का वो भी कुंभ राशि का भाव है, जिसके मालिक शनि देव हैं और यहाँ पर बृहस्पति देवता पूरे महीने मजबूती से विराजमान रहने वाले हैं। और इसके बाद जो बारहवां भाव होता है जो कि मीन राशि का भाव होता है, ये मुख्य ग्रहों से इस महीने वंचित रहने वाला है। तो भक्तगणों, ये मई 2021 का ग्रह गोचर था। अब इसका प्रभाव आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर हम लोग समझने आगे जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक आप बने रहिए। चलिए भक्तगणों, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि यहाँ पर मई 2021 में मीन राशि के जातकों के लिए जो इनकम की स्थिति है वो किस प्रकार बनी हुई है। जब कभी इनकम की चर्चा करेंगे तो आपकी कुंडली के हम लोग ग्यारहवें भाव का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ आपकी कुंडली के हम लोग द्वितीय भाव का भी अध्ययन करेंगे। ग्यारहवां भाव जो है वो मकर राशि का भाव है, जिसके मालिक शनिदेव हैं, और साथ ही साथ जो दूसरा भाव है वो मेष राशि का भाव है, जिसके मालिक मंगल देवता है। पहले हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के ग्यारहवें भाव का, जिसमें शनिदेव अपने ही घर में विराजमान है और बड़ी मजबूती से आपको दिन प्रतिदिन आशीर्वाद दिए जा रहे हैं और इनकम की एक निश्चित जो धारा है उसका प्रभाव उनकी वजह से जारी है, जो कि आपको मई 2021 में भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर शनिदेव अपने घर में मजबूती से हर प्रकार से आपकी सहायता कर रहे हैं और आपके धन के भंडारों को कम नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ पर एक और जो अच्छी खबर है इनकम की दृष्टि से वो ये है कि 1 से 14 मई तक तो यहाँ पर सूर्य देवता भी आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। अब द्वितीय भाव में बैठकर वो उच्च राशि में है, तो इसकी वजह से आपको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा सूर्य देवता की वजह से। और क्योंकि सूर्य देवता का जो मेन प्रभाव है वो हमें सरकार की ओर से दिखाई देता है, यानी कि सरकारी नीतियों की ओर से हमें दिखाई देता है, तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत है कि सरकार की ओर से आपकी इनकम में बढ़त हो इस प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं, यानी कि इस प्रकार की पॉलिसी डिसीजंस का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि आपकी इनकम बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे। परंतु ये जो सूर्यदेव का प्रभाव है ये 1 से 14 मई तक ही रहने वाला है, जिसके पश्चात सूर्य देवता अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे और ये जो प्रभाव है ये उस समय पर खत्म हो जाएगा। नमस्ते, जय शांति, जय गुरु जी, जय गुरु मा, गुरु मा, क्या बताऊँ आपको, बात मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बोल नहीं सकती हूँ।
गुरु माँ आपकी मेरी प्रेरणा हो, मैं जो खोया उससे ज़्यादा मुझे मिला है, आप जैसा माँ आप जैसा गुरु मिला है मुझे, उससे ज़्यादा क्या। अब तो आपको मैं हमेशा हर दम हर समय देखती हूँ, रात को भी नींद ना आए तो आपको मोबाइल पे आपको फोटो देखती हूँ, बस मैं तो मुरझा ही थी, आपने मुझे खिलखिला दिया, मेरे जो टेंशन थी टेंशन एक जगह मैं एक जगह अभी रहती हूँ। गुरु माँ मैं जो खोया हूँ ना उससे ज़्यादा मुझे मिला है, गुरु माँ मिला है, गुरु जी मिला है, माँ हमेशा हम लोग के साथ में रहिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो जो भी मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, जो मत छोड़िएगा, यही मेरे मैंने प्रार्थना है आपसे। सत सत कुटी प्रणाम, जय गुरु जी, जय गुरु माँ, और गुरु माँ कांचन जी से भी थैंक्स बोलना, मुझे उन्होंने मुझे मिलाया आपसे। जय गुरु माँ, मैं आपसे हमेशा आई लव यू माँ। चलिए भक्कड़ों, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, बात करते हैं कि कर्मों की दृष्टि से ये जो मई 2021 का महीना है वो मीन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार रहने वाला है। इस चर्चा को करने के लिए हम लोग आपकी कुंडली के दशम भाव का अध्ययन करते हैं। दशम के मालिक बृहस्पति देवता हैं और यहीं से हम लोग ये अध्ययन करते हैं, ये पता लगाते हैं कि आपके वर्क प्लेस पर कर्मों की दृष्टि से क्या हालात बने हुए हैं। अब यहीं से हम लोग ये भी पता लगाएंगे कि नई नौकरी प्राप्त होने के कितने चांसेस आप लोगों के लिए बने हुए हैं, और यदि आप लोग अपना व्यापार करते हैं तो आपके ऑफिस में या आपके कारखाने में किस प्रकार की सिचुएशन मई 2021 में आपको दिखाई देगी। अब मुख्य तौर पर क्योंकि मालिक जो है बृहस्पति देवता वो यहां पर आपकी कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है, और क्योंकि 12वां भाव खर्चों का भाव होता है तो कहीं ना कहीं इससे हमको ये समझ में आना चाहिए कि आपको अपने कर्म स्थल पर पैसे खर्चने पड़ेंगे। उसके परिणाम स्वरूप ही आपको कोई लाभ मिल पाएगा या आपका काम बन पाएगा। कुछ कुछ स्थितियों में शायद आपका काम ना भी बन पाए और आपके पैसे व्यर्थ हो जाए, आपका जो खर्चा है वो व्यर्थ ही चला जाए, तो ऐसे हालात इस समय पर आपके वर्क प्लेस पर बने हुए हैं। चाहे आप व्यापार करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा सामान स्टॉक करने की वजह से, परंतु वो स्टॉक क्लियर ना होने की वजह से आपके पैसे फंस सकते हैं या डूब भी सकते हैं, ऐसी स्थितियां मई 2021 में उत्पन्न हो रही हैं। इसी प्रकार नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अपने कर्म स्थल पर कुछ पैसे खर्चने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये पैसे हो सकता है कि आपको अपने कलीग्स के ऊपर खर्च करने पड़े, या वर्क प्लेस पर कुछ ऐसी गलती हो जाए, आपके द्वारा कुछ नुकसान हो जाए, कुछ चीजें टूट जाए जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ पैसे उसके एवज में देने पड़े, ऐसी स्थिति आपके वर्क प्लेस पर उत्पन्न हो सकती है। वहीं नई नौकरी की तलाश में कई सारे युवक या युवतियां पैसे जमा कर रहे हैं या फिर गलत लोगों के चक्कर में पड़कर, आजकल ये फ्रॉड भी बहुत ज्यादा चल रहा है कि नौकरी का झांसा देकर लोग पैसे ले लेते हैं, परंतु नौकरी आपके हाथ में आती है और फिर वो पैसे भी आपके हाथ से निकल जाते हैं, वो पैसे डूब जाते हैं, तो इस प्रकार की किसी स्थिति में फंसने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी हुई हैं आप लोगों के ऊपर। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहें, सावधान रहें, ये ध्यान दें कि आप अपने पैसे किसे दे रहे हैं। साथ ही साथ मंगल देवता भी अपनी पूर्ण दृष्टि से अपने चतुर्थ भाव में बैठकर आपके वर्क प्लेस पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब क्योंकि मंगल देवता आपके लिए आपके भाग्य के मालिक भी हैं, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हो सकता है कि भाग्य का कुछ साथ जरूर आपको वर्क प्लेस पर मिले और आप कुछ नुकसान से बच जाएं। चलिए भक्तों,
चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु उससे पूर्व हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि नवग्रह देवताओं का हमारे जीवन में क्या किन चीजों पर प्रभाव है और उनके अधीन क्या क्या सत्ता आती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि स्वयं भगवान विष्णु ने नवग्रहों को हमारे संसार की यानी कि इस पृथ्वी पर होने वाले हर इंसिडेंट की, हर कर्म की, हर क्षेत्र की जो सत्ता है उन्हें सौंपी हुई है। यानी कि आपके जीवन में यदि कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं आकाश में नवग्रह देवताओं की एक स्थिति की वजह से ही उत्पन्न हो रहा है। यानी कि ये स्थितियां, ये जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है वो नवग्रह देवताओं के किसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से ही आपको अपने जीवन में दिखाई दे रही है। अब यदि आपको इसके बुरे फल प्राप्त हो रहे हैं तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि जब आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया था तब आपकी जो जन्म कुंडली थी उसमें इन नवग्रह देवताओं की जो स्थिति थी वो अच्छी ना हो, वो कहीं विपरीत स्थितियों में हो, जिस वजह से आपको अपने जीवन में संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ रही है, या फिर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, या फिर भाई बहनों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, माता पिता के साथ या फिर अपने जीवन साथी के साथ समय समय पर झगड़ा हो जाता है, आपके संबंध उनके साथ अच्छे नहीं हैं, या नौकरी तो मिलती है पर नौकरी बार बार छूट जाती है, या फिर आप व्यापार करते हैं उसमें बार बार घाटा हो जाता है, या फिर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, ये सभी समस्याएं आप लोग अपने जीवन में झेल रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो इन नवग्रह देवताओं से है। तो इनको अपने लिए फेवरेबल बनाना ताकि आकाश में इनकी स्थिति कैसी भी हो परंतु इनके शुभ फल हमेशा आपको प्राप्त होते रहें, और इनके जो नेगेटिव फल हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, वो आपको कम से कम प्राप्त हों और आपका कम से कम नुकसान हो। इसके लिए आवश्यकता है कि आप अपने जीवन में हमेशा अपनी परेशानी से संबंधित मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित अंगूठियां और रत्न धारण करें। इसमें विशेष तौर पर आपके लग्न का रत्न और आपके भाग्य का रत्न बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दोनों रत्नों के बिना आपके जीवन में हमेशा आपको संघर्ष करने की जरूरत पड़ सकती है अगर आपके जो ग्रह हैं आपकी कुंडली में अच्छे ना हो। अब आप लोगों के लिए तो ये जो दो ग्रह हैं मीन राशि के जातकों के लिए वो लग्न भाव तो बृहस्पति के अंतर्गत है, और जो आपका भाग्य का भाव है वो यहाँ पर मंगल देवता के अंतर्गत है। तो यानी कि सीधे सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपको एक पुखराज की अंगूठी पहनने की आवश्यकता है और एक आपको मूंगे की अंगूठी पहनने की आवश्यकता है। इन्हें पहनकर आपका शरीर आपका साथ देगा, आपके लग्नेश यानी लगन के मालिक आपका साथ देंगे, और साथ ही साथ आपके भाग्येश यानी कि आपके लक के मालिक भी आपका साथ देंगे, और जिन व्यक्तियों के साथ उनके लग्नेश का आशीर्वाद हो और भाग्येश का आशीर्वाद हो फिर उन्हें अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर इन अंगूठियों को आप हमारे सिद्ध शनि मंदिर से प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपके लिंक आ रहा है www.shanidev.us/karyasiddhi, इस लिंक पर जाकर आप अपना आवेदन हमें जमा करा सकते हैं। जिस भी परेशानी के लिए आप ये मंत्र से अंगूठियां प्राप्त करना चाहते हैं उसका आवेदन हमें भेज दें। इससे आपको तीन फायदे होंगे। एक तो हमारे सिद्ध शनि मंदिर के जो गुरु रजनी शिशि जी हैं उनसे आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराने का अवसर प्राप्त होगा। फोन कॉल के माध्यम से आप अपने जीवन में आ रही सभी समस्याओं को उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपनी कुंडली को उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, और उनके 30 वर्षों के अनुभव का फायदा आप उठा सकते हैं। जैसा कि हमारे विश्व में 133 देशों के जो हमारे सिद्ध शनि मंदिर के भक्तगण हैं वो पहले से ही उठा रहे हैं,
उन्हीं की भांति आप भी ये फायदा उठा सकते हैं। दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आपको मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित 2 से 3 अंगूठियां प्राप्त होंगी अपनी समस्या से संबंधित। और तीसरा, आपको एक लॉकेट भी प्राप्त होगा जो कि सर्वाध सिद्धि लॉकेट है, जो हम लोग विशेष रूप से तैयार करते हैं। ये सभी चीजें मंत्र सिद्ध करके, प्राण प्रतिष्ठित करके आपको घर बैठे प्राप्त होंगी, जिन्हें धारण करके आप अपने जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर महसूस करेंगे और आपकी परेशानी का समापन भी जल्द से जल्द होगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस स्क्रीन पर आ रहे जो लिंक है उस पर आपको जाना है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी सहूलियत के लिए सबसे ऊपर दिया हुआ है, www.shanidev.us/karyasiddhi। चलिए भक्तगणों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कि भाग्य की दृष्टि से आप लोगों के लिए ये जो मास है मई 2021 का, वो किस प्रकार रहने वाला है। जब कभी इस चर्चा को करेंगे तो आपकी कुंडली के हम लोग नवम भाव का अध्ययन करते हैं और नवम के स्वामी आपके लिए मंगल देवता हैं। मंगल देवता इस समय पर आपकी माता वाले भाव में, यानी कि आपके 4th हाउस में इस समय पर विराजमान है। अब इससे हमें ये समझ में आता है कि माता का आशीर्वाद आपके भाग्य के लिए उदय करने वाला साबित हो सकता है, यानी कि माता जी की सेवा करना, उनसे समय समय पर आशीर्वाद देना, जब तक मंगल इस स्थिति में विराजमान है तब तक विशेष तौर पर आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो कोई भी शुभ काम आप करने जा रहे हो उससे पहले अपनी माता का आशीर्वाद आपको निश्चित तौर पर लेना चाहिए। साथ ही साथ इस समय पर यदि आप नया घर लेना चाहते हैं, नया मकान लेना चाहते हैं या फिर नया वाहन लेना चाहते हैं, तो वो डिसीजन लेने के लिए भी ये समय आप लोगों के लिए शुभ ही नजर आ रहा है। चलिए भक्तगणों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आप लोगों के लिए ये जो मई 2021 का मास है वो किस प्रकार रहने वाला है। जब कभी इस चर्चा को हम लोग करेंगे तो आपकी कुंडली के हम लोग प्रथम भाव का अध्ययन करते हैं, यानी कि पहला, यानी कि लग्न भाव, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके स्वामी का अध्ययन करते हैं जो कि आपके लिए बृहस्पति देवता है। और साथ ही साथ आपकी कुंडली के हम लोग छठे भाव का भी अध्ययन करते हैं, छठे भाव के स्वामी जो हैं वो आपके लिए सूर्य देवता हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति देवता की स्थिति जो है वो आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो आपकी कुंडली के 12वें भाव में इस समय पर विराजमान है और 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह आपको जीवन में आ रही परेशानियों से बचाने में थोड़ा असमर्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार बृहस्पति भी आपके स्वास्थ्य में आपकी कोई भी सहायता इस समय पर नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ सूर्य देवता का राशि परिवर्तन जो कि 14 मई के पश्चात होगा, वो उन्हें राहु देवता के साथ विराजमान कर देगा 3rd भाव में। अब इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपके एक तो यहाँ पर स्वास्थ्य पर एक बुरा असर पड़ेगा, साथ ही साथ आपके मानसिक जो आपका कॉन्फिडेंस है, यानी कि आपकी जो मानसिक क्षमताएं हैं, उनको भी इस समय पर ये राशि परिवर्तन बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो इस महीने आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा संभल कर रहना है, और दोनों ही दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से भी और मन की अवस्था की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से ये समय आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल आपको रखने की समय पर आवश्यकता है। रेगुलर आप सात्विक आहार को अपनाएं अपने जीवन में, एक्सरसाइज को भी अपने आप जीवन में एक रूटीन में लेकर आए, समय मिलने पर मेडिटेशन भी करना आपके लिए बहुत ज्यादा इस केस में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मैं आपको एक और उपाय बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने यहां पर हम बात कर रहे थे पिताजी, उनका अगर आप आशीर्वाद लेते हैं तो वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा सिद्ध होगा। यानी अगर आपके पिताजी आपकी देखभाल करते हैं और उनका आशीर्वाद आप समय समय पर लेते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित इन परेशानियों में आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। इस समय पर शत्रुओं का भय भी आपका काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को अफेक्ट कर रहा है, आपके यहाँ पर वो करेज को भी अफेक्ट कर रहा है, आपकी बहादुरी को भी यहाँ पर ये अफेक्ट कर रहा है। तो शत्रु इस समय पर आपके ऊपर हावी पड़ सकते हैं,
तो उस दिशा में भी आपको सतर्क रहने की समय पर आवश्यकता है। चलिए भक्कड़ों, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। बात करते हैं कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ और फ्रेंड्स के साथ आप लोगों का जो ये संबंध है वो मई 2021 में किस प्रकार रहने वाले हैं। साथ ही साथ शादी के योगों की भी हम चर्चा करेंगे कि शादी के योग कितने मजबूत इस समय पर बने हुए हैं। इस सभी चर्चा को करने के लिए हम लोग आपकी कुंडली के सप्तम भाव का अध्ययन करते हैं। सप्तम के मालिक इस समय पर बुध देवता हैं। तो बुध देवता आपकी कुंडली में अगर हम यहाँ पर गौर फरमाएं तो यहाँ पर तृतीय भाव में विराजमान हैं। ये भाव जो है वो आपके भाई और बहनों का भी भाव है। साथ ही साथ आपके यहाँ पर आत्मबल का भी ये परिचायक है। तो ये दर्शा रहा है कि यदि आप अपने जीवन में फ्रेंड्स के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किसी भी समस्या को आप महसूस कर रहे हैं, या लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात पर आपकी अनबन हो गई है या आपस में बातचीत बंद हो गई है, तो उसमें आपके भाई या बहन आपकी सहायता कर सकते हैं, वो आपकी मदद इसमें कर सकते हैं और इस समस्या को उनकी सलाह मानकर आप अपने जीवन में जल्द से जल्द उसको दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो भाई और बहन हैं वो आपको कुछ ऐसे लोगों से मिला सकते हैं जिनसे आपकी आगे चलकर घनिष्ठ मित्रता हो जाए, या फिर आपको उनके साथ बिजनेस करने का एक मौका भी प्राप्त हो सकता है। शादी से संबंधित यदि हम लोग इस समय पर बात कर रहे हैं, जिन लोगों की अभी शादी नहीं भी हुई है, तो उनके भी रिश्ता ढूंढने में या उनके लिए एक योग्य वर या वधु की तलाश करने में भी उनके भाई और बहन मददगार साबित हो सकते हैं। चलिए भक्तगणों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं कि स्टूडेंट्स का ये जो समय है मई 2021 का वो कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ माता पिता के साथ बच्चों के संबंध जो हैं वो किस प्रकार रहने वाले हैं, और यदि अभी आपकी शादी नहीं हुई है और आप प्रेम प्रसंग में इन्वॉल्व युवक या युवती हैं, तो उनके लिए समय मई 2021 में कैसा बीतेगा। तो यहाँ पर मालिक जो है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा हर ढाई दिन में गोचर करते हुए अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। अब इसमें जो शुभ समय है वो विशेष तौर पर जो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है वो एक तो 2 मई से 4 मई का समय है, वो आप लोगों के लिए अच्छा है, और साथ ही साथ फिर महीने के 17, 18 और 19 तारीख का जो समय है वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है चंद्रमा की दृष्टि से। तो यानी कि अगर हम लोग चंद्रमा की दृष्टि की अगर बात करें, चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो इस महीने कोई बहुत ज्यादा भाव ऐसे नहीं है जिनमें रहकर चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में हो। ज्यादातर स्थितियां चंद्रमा के लिए विपरीत ही नजर आ रही हैं। इसमें एक और जो अच्छा समय आ सकता है वो 10 से 11 मई के बीच का आ सकता है। इस समय पर चंद्रमा आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे। तो यहां पर इससे हमें ये समझ में आता है कि ओवरऑल अगर हम पूरे महीने की बात करें तो चंद्रमा की बहुत कम अच्छी स्थितियां होने की वजह से समय समय पर आपकी पढ़ाई को नुकसान हो सकता है, जिसके लिए आपको अत्यंत सावधान होने की जरूरत है, अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। वैसे भी यहाँ पर कोरोना की जो दूसरी वेव आई है उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स के मनोबल पर फर्क पड़ा है, साथ ही साथ उनकी पढ़ाई पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। तो पेरेंट्स को आवश्यकता है कि अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें और उनका मार्गदर्शन करें। अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये भी घोषणा कर दी कि 18 वर्ष से बड़े व्यक्तियों को, 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा आयु वाले व्यक्तियों को भी वैक्सीन लग सकती है, तो इसके बाद ये जो चेन है ट्रांसमिशन की ये जरूर टूटेगी और जल्दी स्थितियां अब नॉर्मल होने की तरफ बढ़ने लग सकती हैं। तो ये आखिरी ही कुछ समय है जिसमें माता पिता को
अपने स्टूडेंट्स का, अपने बच्चों का इस समय पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार प्रेमी प्रेमिका भी, क्योंकि ज्यादा समय आपस में साथ नहीं बिता पा रहे हैं, इसलिए भी उनके बीच में थोड़ी सी जो अटैचमेंट है वो कम हो सकती है मई 2021 में। चलिए भक्तगणों, ये तो हमने चर्चा कर ली मई 2021 के राशिफल की, हमने हर चीज की यहाँ पर चर्चा की है, चाहे वो आपकी इनकम हो, चाहे आपके कर्म की बात हो, चाहे भाग्य की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पढ़ाई लिखाई फ्रेंडशिप, सब चीजों की हमने यहाँ पर चर्चा की है। अब बात कर लेते हैं उस विशेष उपाय की जिससे आप अपने लिए ये जो महीना है मई 2021 का उसे और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो मई 2021 को और बेहतर बनाने के लिए जो मेरा सुझाव है वो आप लोगों के लिए ये है कि आपको फोकस करने की आवश्यकता है मंगल देवता पर, क्योंकि मंगल देवता आपके भाग्य के मालिक है, इस समय पर चतुर्थ भाव में विराजमान है और आपके भाग्य को वो इस समय पर पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं। तो मंगल देवता प्लस, क्योंकि यहाँ पर केतु देवता भी उच्च की अवस्था में विराजमान है, तो इन दोनों के उपाय जो हैं वो आपके लिए मई 2021 में लाभकारी सिद्ध होंगे, आपके भाग्य को मजबूत करने वाले सिद्ध होंगे। तो देखिए, केतु देवता का उपाय तो बड़ा सरल है, अगर आपके घर के आसपास कहीं भी नवग्रह देवताओं का मंदिर है तो वहां पर केतु देवता की मूर्ति के आगे जाकर आपको उन्हें शहद अर्पित करना है। बाजार से एक नई शहद की शीशी आप खरीदें और उसके बाद नवग्रह मंदिर जाकर केतु देवता के चरणों में उस शहद को आप अर्पित करें, उनके चरणों पर शहद लगाएं और फिर वही शहद की शीशी वहीं पर छोड़कर वापस अपने घर आ जाएं। तो ये केतु देवता के लिए बड़ा सरल सा उपाय है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर मंगल देवता की हम लोग बात करें, मंगल के उपायों की बात करें, तो बंदरों को गुड़ और चना खिलाना मंगल देवता को बहुत ज्यादा प्रसन्न करता है और इससे आपको मंगल देवता का आशीर्वाद प्राप्त बड़ी सरलता से हो सकता है। तो बंदरों को आप गुड़ और चना जरूर खिलाएं, मंगलवार को विशेष तौर पर यह उपाय करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए भक्तगणों, इसी के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को यहां पर विराम दे रहे हैं। आशा करता हूं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप अपने मित्रों भाइयों फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हिंदू सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार में आप भी अपना योगदान दे सकें। इसी मंगल कामना के साथ कि आपके घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहे, मैं आपसे आज विदा लेता हूं। अब मुलाकात होगी आपसे अगले महीने, तब तक के लिए जय शनि देव।